नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नेशनल हाईवे 14 के बारे में। बिहार में इन दिनों सड़कों को लेकर सबसे ज्यादा काम हो रहा है। बिहार सरकार यह दावा करती है कि प्रदेश के किसी भी हिस्से से आप एक दिन में राजधानी पटना से आप काम करवा कर जा सकते हैं। इन सब के पीछे सरकार का तर्क यही होता है कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, या हम कह सकते हैं कि प्रदेश में सड़कों को लेकर काम तेजी से हो रहा है। साथ ही साथ सड़कों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। यही वह कारण है कि सरकार यह दम भरती है कि आप राजधानी पटना से प्रदेश के किसी भी हिस्से में 5 घंटे में आ जा सकते हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं प्रदेश में नेशनल हाईवे के बारे में। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह कहा जा रहा है कि भागलपुर में नेशनल हाईवे का 14 बनने वाला है। बता दें कि भागलपुर से 6 नेशनल हाईवे गुजर रही है, जिससे यह संयोग बना है। आपको बता दें कि कानपुर में इससे पहले नेशनल हाईवे का 14 बना था। तो आइए अब एक एक कर जानते हैं भागलपुर से गुजरने वाली नेशनल हाईवे के बारे में। भागलपुर से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे में एक नेशनल हाईवे है 106। यह नेशनल हाईवे फुलौत में कोसी नदी पर बन रहे अप्रोच रोड पर NH 31 के बिहपुर के रास्ते एक सड़क पुल का निर्माण हो रहा है, जो कि सुपौल तक जाएगी। यह नेशनल हाईवे भागलपुर से होकर गुजरेगी। वहीं अगर हम दूसरे नेशनल हाईवे की बात कर लें तो वह है 333A। यह वर्तमान में निर्माणाधीन है। यह हाईवे मोकामा बेगूसराय नेशनल हाईवे को काटते हुए मुंगेर पुल के रास्ते भागलपुर होते हुए झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल की ओर जाएगी। यह हाईवे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर योजना के द्वारा मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जाएगी। इस हाईवे के बन जाने से बिहार से झारखंड और उसके बाद पश्चिम बंगाल जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। भागलपुर से गुजरने वाली एक और नेशनल हाईवे, जिसका नंबर है NH 133E, इसकी कुल लंबाई 63 किलोमीटर है और यह हाईवे भागलपुर ढाका मोड़ भलजोर तक जाती है। इस हाईवे की लागत 652 करोड़ है। बता दें कि यह नेशनल हाईवे की पहले से प्रस्तावित जो चौड़ाई थी उसमें जो है अब बढ़ोतरी की गई है। इस हाईवे में 10 किलोमीटर चौड़ीकरण रोड के लिए 35 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण जो है वो किया जा चुका है। भागलपुर से जुड़ने वाली एक और तीसरी एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के नाम से जानी जाती है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद से बक्सर से भागलपुर आना जाना आसान हो जाएगा। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई जो है 350 किलोमीटर है। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाना है, जिसके बाद से आप उत्तर प्रदेश से बिहार और बिहार से पश्चिम बंगाल आसानी से आ जा सकते हैं। भागलपुर से गुजरने वाली नेशनल हाईवे में अगला जो नेशनल हाईवे है वो है नेशनल हाईवे 107। खगड़िया से आसाम तक जाने वाली नेशनल हाईवे 31 महेंस खूंट से सहरसा के बीच में कट जाती है और फिर फुलौत पुल बनने के बाद यह मधेपुरा में 106 से जुड़कर सीधे भागलपुर से कनेक्ट हो जाती है। तो अब इस रूट से आप आसाम से आसानी से बिहार और बिहार से आसाम आ जा सकते हैं। अगला जो नेशनल हाईवे है उसके बारे में बताया जा कि यह NH 131B है। यह विक्रम सेतु के समानांतर बन रही 4-लेन पुल नवगछिया में NH 31 और बाद में भागलपुर में NH 80 से जुड़ जाएगी। इसके बन जाने से विक्रम सेतु पुल का भार जो है वो कम होगा। ये तो बात हुई नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे की। अब हम बात कर लेते हैं भागलपुर में गंगा नदी पर एक और 4-लेन का प्रस्ताव वित्तीय साल 2022-2023 के बजट में प्रस्तावित हुआ है। बता दें कि इस पुल की लंबाई 120 किलोमीटर है। यह पुल कहलगांव से कुरसेला फारबिसगंज तक के लिए प्रस्तावित है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो जोगबनी चेक पोस्ट तक भागलपुर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को जोड़ने की तैयारी चल रही है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि ये जो चेक पोस्ट है जोगबनी चेक पोस्ट, यह इंटरनेशनल चेक पोस्ट होगा। तो ऐसे में भागलपुर से इंटरनेशनल चेक पोस्ट जो है आसानी से जुड़ सकेगा। भागलपुर में सड़कों के चौराहों को लेकर बोलते हुए NH के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार बताते हैं कि आने वाले दिनों में भागलपुर NH सड़कों का जंक्शन बन जाएगा। संभवतः पूर्वी बिहार का यह पहला जिला होगा जहां से 6-7 NH एक दूसरे को क्रॉस करेगा। इससे आने वाले दिनों में भागलपुर विकसित होगा और व्यापार के नए दरवाजे खुलेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।